I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अरे पुलिस क्या तू मिलिट्री को बुला रहे खाला? तू पहली थी जो मेरे और मेघा के बारे में सब समझ गई। तूने सब पहले ही देख लिया खाला, तू ग्रेट है। वो क्या कहेगी खाला? कौन? अरे मेघा। वो क्या है ना, मैंने उसे शादी के लिए पूछ लिया, उसने कहा कि वो बाद में बोलेगी। मैं क्या करूं? हैं? फिलहाल तो तू यहाँ से निकल। कमबख्त। अरे ओ जाने मन, जलन हो रही है कि मैं किसी और के साथ जा रहा हूँ? अरे अरे कैसी कैसी बातें करता है तू? खाला देख देख, तू जानती है कि मैं निकम्मों के साथ घूमता फिरता हूँ, तुझसे ज्यादा मुझे और कोई नहीं जानता। तू मुझे जानती है, समझती है। अंदर कुछ कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या कहेगी वो? हाँ कहेगी, और क्या कहेगी? और ना कहा ना तो उल्टा मुंह लगाना उसे। इतना किया तूने उसके लिए, हाँ नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी? वैसे भी उसका तो कोई है नहीं यहाँ पे तेरे सिवा। फिर मैं मैरिज ऑफिस जाके नोटिस दे देता हूँ। फिर क्या है, 20,000 की नौकरी, एक घर। 20,000? अरे तेरी कसम खाला, ये टाई, ये शर्ट, ये पैंट, ये सब उसी की वजह से तो है। वो ही मुझे निकालेगी इस गटर से। अगर वो नहीं होती ना तो मैं तेरे साथ शादी कर लेता हूँ। बदतमीज, तेरी बदतमीजी शुरू हो गया है नवा कूल। हम रात शर्म नहीं आती तुझे है? बदतमीज कहीं के बदतमीजी करता है मेरे साथ। तुझे तमीज नहीं सिखाई किसी ने? निकल मेरे घर से, ना मुराद ना मकूल। हाँ तमीज। ओए 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 क्या कर रहा है तू? अरे काम मर गए सबके साथ। देखो इस लौंडे को। अरे रजो रजो। अरे 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 तू कहाँ भाग जा रहा है? रजो इसे रोको। ओए रजो चिल्लाने दे मोटी को, जब पारा कम हो जाएगा ना दे दियो सीढ़ी। हैं? अब हम 25 तारीख को दिल्ली में ही मिलेंगे। ये बस टिकट के पीछे मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस का एड्रेस है। अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग अलग जाएं। तुम वहां मिलोगे ना? हाँ बाबा, मैं तो वहां पहले ही पहुंच जाऊंगा।
छोटू एक चाय देना। अंकुश भैया। हाँ पुलिस आई है। हाँ तुझे पकड़ने के लिए। मेघा दीदी के बारे में पूछताछ कर रही है। अरे हाँ भी पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं। अंकुश तुम्हारे लड़की के बारे में पुलिस लोग बहुत पूछताछ कर रहे हैं, मैंने तो मना कर दिया। तुमने इसे देखा है? ये 2 महीने पहले यहाँ पे आई थी। अरे साहब ये लड़की अगर मेरी आंखों सामने आती तो साहब मैं पहचान जाता। घुटन सी हो रही है साली, चैन की तो ऐसा क्यों होता है यार। हाँ यही वक्त मिला था उसको क्या टपकने का? तब कहां था जब सड़क पर खड़ी थी? 2 महीने बाद आया है और मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? हाँ मजाक समझ रखा है मुझे। अरे तो शादी कर लेना, बात अपने आप खत्म हो जाएगी। अरे 1 महीना फिर भी जाएगा ना, और मैरिज ऑफिस में फिर नोटिस देना पड़ेगा। और ये महाशय 1 महीना चिपका रहा तो फिर उनका मिलना लिखा ही है। हाँ तो मिलने देना उन्हें। क्या बकवास कर रहा यार? क्यों कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा दे। अंकुश धोखा दिया उसने उस लड़की को, तुम्हें लगता है वो उसकी बातों में आ जाएगी? नहीं। तो फिर डरता क्यों है? और मान लो वो उसके साथ चली भी गई तो इसका मतलब वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। अरे मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं जो लड़की दे दूं और फिर मुस्कुरा के गाना गाऊं, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। अरे यार कुछ करना पड़ेगा यार, धीरज को दिल्ली से निकलवाना होगा और जल्द ही। ओए फिकर क्यों कर रही है? ओ मैं कर दूंगा तेरा काम। ओए कर दूंगा मैं। धीरज। हाँ राजेश बताओ मेघा के बारे में क्या जानते हो? तो वो तो गई। क्या? हाँ हाँ जी, तो रेलवे स्टेशन पे देखा था मैंने उसे। कब? यही कुछ 40 दिन पहले, मौसी को छोड़ने गया था तभी। कौन से स्टेशन? पुरानी दिल्ली, यहाँ से जाते हैं सीधा दाहिने हाथ की तरफ, बिल्कुल सामने ही है। मेघा स्टेशन पे क्या कर रही थी? जी अकेली नहीं थी, कोई मर्द था उसके साथ। मर्द? हाँ जी। तुम ये तस्वीर देखो, गौर से देखो, क्या यही थी वो लड़की? हाँ जी यही तो वो लड़की है। और उस दिन ट्रेन में लाइट भी ज़्यादा थी और मेरी आँखें कभी धोखा नहीं खा सकती, मैं सामने 10 मिनट तक बैठी थी। यही लड़की थी, यही थी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। ट्रेन कहाँ की थी? बम्बई की। कौन सी? राजधानी। पुरानी दिल्ली से राजधानी? पर राजधानी तो नई दिल्ली से जाती है ना? हाँ जी वो उस दिन पुरानी दिल्ली से चली गई होगी वो, अब ट्रेन का तो पता है आपको। ओए राजेश। हाँ कौन है तू? हाँ ओ जी क्या है मामला, क्या है साफ साफ बता। नहीं जी। हाँ मेघा के बारे में क्या जानता है तू? ओ जी मैम। हाँ हाँ ओए लिया। उसने भाप लिया। रट्टा मार के गया था ना तू? तो मैं क्या करता,
पुलिस की तरह चीटपार करने लगा हूँ। ठकन है तू भी। पिपनी को भेजते ना। दिमाग नाम की चीज है क्या? चक हो गया उसको। कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा। यहाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। अकेले हो? बात क्या है? म्यूनिसिपल ऑफिस से आ रहा हूँ मैं, काम रहता है मेरा वहाँ पे। आज ऐसे ही पूछ लिया, पुलिस भी गई थी वहाँ पे, किसी प्यून की लापरवाही की वजह से बात उनकी नज़र में नहीं आई। क्या बात है? मेघा जोशी। ये क्या है? पढ़ लो, समझ जाओगे। धीरज, ये मेघा जोशी का डेथ सर्टिफिकेट है, उसका नाम लिखा है इसमें। 29 अक्टूबर को उसकी डेड बॉडी मिली थी रेलवे पटरी पर। 5.5 फुट का कद, सब कुछ लिखा है इसमें। सरकारी पेपर है, गलत नहीं होगा। सॉरी, मैं सोचा तुम्हें बताना ठीक होगा। काम हुआ? हाँ। जो गुरु, मान गया तुझे मैं। अरे क्या कर दिया इसने? ओए, अपने अंकुश ने उसकी ऐसे तो हल्के से ली, ऐसे तो हल्के से ली कि उसे जिंदगी पर पता नहीं चलेगा। कुत्ता साला, बड़ा स्मार्ट बन गया था मेरे सामने। बस कर जुल्फो। अरे यो तो बता, करके दिया अरे इसने? वो सब छोड़ ना तू, सलाम ठोक अपने यार को, मैं तो सल्यूट करता हूँ। चेपू साला, पता नहीं कहां से चलाया। अब देखियो, जिंदगी भर देख ची खखोरता रहेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कहां गई वो। चुप कर। अच्छा बहुत हो गया। अरे ठीक है ना, वो हवा बस को थोड़ी ना पता है कि असली मलाई तुम मेरा यार कर रहा है। कब से कह रहा हूं चुप हो जा, फिर भी भगते जा रहे। तुमने सबके सामने मार दिया, मैंने तेरी मदद की यार। कैसी घटिया बातें कर रहा है तू, समझ में नहीं आता कुछ? तू क्या गलत किया मैंने? तारीफ ही तो कर रहा था मैं तेरी। अच्छा सॉरी जुल्फू। धीरज, भाई साहब बहुत देर से खटखटा रहा हूं, वो दरवाजा खोल नहीं रहा है। सो रहा होगा। हाँ लेकिन फिर भी
बंदा कहीं नहीं गया। तो फिर आप आइए ना मेरे साथ। क्या साहब आप भी। दो मिनट सर प्लीज। ठीक है जी आइए। थैंक यू। धीरज, 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 चले जाओ यहां से। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.